आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको मूली की भुजिया की रेसिपी दिखाएंगे। सर्दियों में मूली बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए हम इसको ज़रूर सर्दियों में तैयार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको दिखा देते हैं इसके हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं और आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। मूली की भुजिया के लिए मैंने ये 2 केजी मूली ली है, जिसको मैंने इस तरह से गोल गोल काट लिया है। इनका छिलका हटा दिया और मैंने काट लिया है। पत्ते भी हमें इसके इस्तेमाल करने हैं भुजिया के लिए, तो मैंने पत्ते भी काट लिए हैं। इनको अच्छे से बहुत धो लिया है। धोने के लिए आप उसको कुछ टाइम के लिए 15-20 मिनट के पानी भिगो दिए, तो उसका सारा मिट्टी नीचे जाके बैठ जाता है। उसके बाद फिर छलनी में 3 से 4 बार आप उसको अच्छे से धो लीजिए। ये तरीका तो खैर सबको ही मालूम होता है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ। तो इसको हम ये बाकी भी इसी में डाल देते हैं। मैंने ये 1 कप पानी लिया है, मैं इसमें डाल देती हूँ और 10, ताकि ये गल जाए। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ इसके क्या हैं। तो इसको मैं रख देती हूँ, मैंने इसको ढक दिया है। फिर मैं 10 मिनट में आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया है, तो अभी उतने से अच्छे से गले नहीं हैं। गले हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी अभी टाइम लगेगा। मैंने अभी देखिए तोड़ा तो ये टूट रहा है, लेकिन फिलहाल फिर इसको मैं 15 मिनट के लिए और रखूँगी, ताकि अच्छे से ये गल जाए। और अभी इसमें पानी मैंने और नहीं डाला है, उसी पानी में ही गल रहा है। और ये पत्ते और मूली भी पानी छोड़ते हैं, इसलिए मैंने इसमें पानी फर्दर नहीं डाला है। मैंने अभी चेक किया, नीचे मूली पानी की है। भुजिया के बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 4-5 मैंने हरी मिर्च लिया है, जिनको बारीक चॉप कर लिया है। इसमें लहसुन जो है मेन इंग्रेडिएंट है, तो इसलिए मैंने बहुत सारा लिया है। पूरा 1 जवा मैंने उसको छील के बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लीजिएगा, इसमें कम मत करिएगा। ये मैंने खटाई ली है, लाल मिर्च है और नमक है। ऐसे तो मैं इसको, जो हमारे पास लाल चटनी हमेशा बनी हुई रहती है, मैं उसको यूज़ करती हूँ। लेकिन थोड़ा आपको सिंपल वे बताने के लिए मैं आपको ये बताऊंगी, वरना आप इन सब इन तीनों चीज़ों की जगह आप लाल चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स रह जाते हैं उस तरह से, और बनाने में भी आसानी होती है। तो ये मैंने इसको इसको लगभग 25 मिनट लगे हैं गलने में, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा बहुत ये पानी है, इसको मैं निचोड़ के निकालूंगी। तो इस तरह से हम हाथ से मैं इस तरह से हाथ से निचोड़ निचोड़ के इसमें से जितना भी पानी है मैं निकाल दूंगी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। और मैं इस तरह से प्लेट में इकट्ठा करती रहूंगी। तो पूरे को मैं इसी तरह से कर लूंगी, और इस तरह से ये मैश भी हो जाएगा अच्छे से। हाथ से कर लीजिए या ब्लेंडर से कर लीजिए उसको, अगर मैश करना है। वैसे हाथ से आसानी से हो जाता है, कि इतना गल जाता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप निकाल दीजिए। तो इस तरह से मैं सारा करके आपको दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हैं, मैंने इसको मैश कर लिया है और इसका पानी बिल्कुल निकाल दिया है। 2 किलो मूली ली थी, आप देखिए उसमें से कितना रह गया है। तो अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों का एक पेस्ट बना लेती हूँ। नमक, लाल मिर्च और खटाई को मैं मिला लेती हूँ, तो उससे थोड़ा हमें आसानी रहेगी। खटाई और मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपके घर में कितना खट्टा खाया जाता है, कितना मिर्च खाया जाता है, ये सब अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। एक अच्छा सा हम पेस्ट बना लेंगे, इसके सारे लम्स निकाल देंगे। तो ये मैंने निकाल लिया है, क्योंकि इसमें मैं हरी मिर्च भी डाल रही हूँ और लाल मिर्च भी है। तो आप ध्यान से दोनों चीज़ों को रखिएगा, और खट्टा भी आपको घर में जितना चाहिए उस हिसाब से आप रखिएगा। इसका कोई नाप तोल ऐसे नहीं है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। घर में किसी को खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मेरे घर में खट्टा पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा खटाई ज़्यादा लिया है। तो इस तरह से आप उसको भगाड़ लेते हैं। तेल मैंने डाल दिया है, गर्म हो गया है, और इसको हम डाल देते हैं लहसुन को। हमें लहसुन को ब्राउन नहीं करना है, इसका कलर बदलना नहीं है ज़्यादा। साथ में इसमें हम हरी मिर्च भी डाल देते हैं, दोनों एक साथ भुन जाएंगे। मैं आपको बता दूं, आप इसको कुकर में भी उबाल सकते हैं, लेकिन कुकर में है कि थोड़ा कम पानी डालिएगा, क्योंकि कुकर में जल्दी गल जाएगा, पानी उसमें कम ही लगेगा। तो आधा कप डाल के आप उसको उबाल लीजिएगा, 4-5 विसल दे दीजिएगा, अच्छे से गल जाएगा वो। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको निचोड़ने में। हर घर की कुछ खास रेसिपीज़ होती हैं, तो उनमें से ये मेरे घर की खास रेसिपी है। हर कई बार अम्मी इसको सर्दियों के मौसम में तैयार किया करती थी, और बहुत ही चटपटी तरीके से बनाती हैं वो। तो मैंने भी वही उन्हीं का देखा देखी बना रही हूँ मैं भी। हमारी अम्मी की एक और ख़ास उनकी डिश थी बिरयानी, उनके हाथ की बड़ी अच्छी रहती थी। बहुत सिंपल उसके इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, बहुत आसान है। तो मैंने वो भी डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, अम्मी वाली बिरयानी करके नाम है उसका। अच्छे से भून लिया है हमने इसको, इसमें अरोमा इसका आ गया है लहसुन का और हरी मिर्च का। अब इसमें ये मैं ये पेस्ट डालूंगी। थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ पहले, वरना ये मसाला जलने लगता है।
अब ये भुजिया मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से मसाले के साथ भून लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पानी तो रह ही जाता है, उतनी तो उसमें से पानी नहीं निकल पाता है, तो मैं उसको इतना भूनना होगा इसका सारा पानी सूख जाए। अच्छे सारे मसाले मिक्स हो गए हैं, 5-7 मिनट से अभी मैं इसको फर्दर भून रही थी, 5-6 मिनट को मैं और भूनूंगी ताकि इसका पानी बिल्कुल सूख जाए और ये अच्छे से मैश हो जाए। आप इसको मिक्सी के जार में भी ग्राइंड कर सकते हैं, उससे भी आपका काम आसान हो जाएगा, और या फिर आप ब्लेंडर से कर लीजिए। मैंने इसको हाथ से किया है, आप उन दोनों जो मैंने आपको दो ऑप्शन बताए हैं आप उस तरह से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से घुट गई है ये और भुन भी गई है। आप इस स्टेज पे एक बार नमक, इसका खट्टापन और इसका मिर्च दोनों चख लीजिएगा, अगर कुछ ऐड करना होगा तो आप इस स्टेज पे इसको कर लीजिएगा। तो ये हमारी लगभग तैयार है। आप इस तरह से दबा के भी देख सकते हैं कि इसमें से कहीं पानी तो नहीं निकल रहा है, इस तरह दबाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पानी सूख गया है। तो अभी हमारी तैयार है, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। मूली की भुजिया तैयार हो गई है, आप इसको रोटी के साथ, पराठों के साथ खा सकते हैं। आप इसको ब्रेड में भी भर के एज अ सैंडविच बनाकर खा सकते हैं, इसको रोटी में भर के पराठों की तरह भी खा सकते हैं, जैसे हम आलू के भरे हुए पराठे खाते हैं उसी तरह से इस भुजिया से हम भर के पराठे भी बनाकर खा सकते हैं। आप इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप से हमारी रेसिपी को आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो नीचे एक लाइक बटन है, आप उसको प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है और एक बेल आइकन है, आप दोनों को प्रेस करेंगे तो आपको हमारे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए शैलाज दस्तरखान।